आयस बिन अमर एक सहाबी हैं और फतह मक्का वाले साल अभी तक हजरत अबू सुफयान रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, तो किसी ने जिक्र किया तो उसने अबू सुफयान रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पहले लिया और आयस बिन अमर का नाम बाद में लिया। तो मेरे और आपके आका और मौला नाराज हो गए और फरमाया ऐसा नहीं करोगे, तुम सरदार हैं कौम के अबू सुफयान और ये आयस एक सादा मुसलमान है, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं लिहाजा नाम लेते हुए तुम पहले इसका नाम लोगे। इकबाल कहता है कि कतराए आबे वुजू कंबरे खूब तर अज खूने नाबे कैसरे, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दर का गुलाम कंबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब वुजू करते हैं और उनके वुजू के पानी से जो कतरे गिरते हैं वो उस दौर की सुपर ताकत सल्तनत रूम का शहनशाह कैसर, कहा कैसर के खून से वो कतराए वुजू ज्यादा कीमती है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम के गुलाम के बदन को छू के गुजरता है। तो इस्लाम की एक अपनी अनोखी शान है, इस्लाम का एक अपना मिजाज है, लेकिन मानूसियत तहरीक ने एक नारा बुलंद किया 14वीं सदी के आगाज में कि वहदत अदियान के जरिए से लोगों को करीब किया जाए, और उनका मकसद क्या था कि मुसलमानों को तजब्जुब के अंदर मुब्तदा किया जाए, उनको कहा जाए कि देखो सारे दीन के मानने वाले लोग हैं, सबको हक है, अमल करें, कोई हरज नहीं है, और एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के पास आना जाना रखें। इस तरह के कुछ नारे तराश के जो है वो एक फिक्र उन्होंने देना चाहिए, और ये फिक्र 14वीं सदी के आगाज में ही नहीं थी बल्कि 14 सदियां कबल कुफारे मक्का ने भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि एक साल हमारे बुतों की आप इबादत कर लिया करें और एक साल आपके माबूद की हम इबादत कर लिया करेंगे, उसका फायदा यह होगा कि अगर आपका दीन सच्चा हुआ तो हमें फायदा हो जाएगा, हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी, और अगर हमारा दीन सच्चा हुआ तो आपका काम बन जाएगा, बाहमी मुनाक्षत लड़ाइयां उलझाओ ये भी नहीं होगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। जब उन्होंने ये पेशकश हुजूर से की तो हुजूर के सीने अतहर पे सूरह अल काफिरून का नजूल हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ए महबूब फरमा दो कि जिनको तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता, और जिसको मैं पूछता हूं उसको तुम पूछने वाले नहीं हो, और जिसको तुम पूछते हो मैं कभी भी उसको पूछने वाला नहीं हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो ये एक अलग तशख्खुस है मेरे और आपके आको मौला के सीने पे उतारी गई सूरत के जरिए से जो वाजे किया गया, हर दौर के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन मैंने अर्ज किया कि 14वीं सदी के अंदर खास तौर पर इसका डोल डाला गया, और उस वक्त से यह तहरीकें चल रही है, और बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से कुछ नाम आप भी जानते हैं जो नादीदा या दीदा तौर पे इस फलसफे के ज़ेरे असर आए और उन्होंने ये तबलीग शुरू कर दी जो इस्लाम की बुनियादी फिक्र के मुनाफी है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन को किसी दीन पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, कि मैं मगरब में एक गिरजा घर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है, वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे, वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है, और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं, तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें, ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो जरा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए, थोड़ी सी वसीउ ज़र्फ़ी का इजहार कीजिए, मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहाँ इजलास कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए, वहदत अदियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले, तुम सारे मुसलमानों एक मुल्क के रहने वाले हो तो पता चले जी ये बड़े वसीउ ज़र्फ़ हैं, वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम कोई यतीम मजहब है? ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है, तुम अपने अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो, ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियां उनकी गैरत
इजाजत देती है उनका दीन जो खुद साख्ता है, और हजरत ईसा को छोड़ के जो उन्होंने इख्तियार किया है उनकी तरबियत उनके नफ्स ने की है, और हमारी मस्जिद के हवाले से तरबियत मोहम्मद अरबी ने की है। हमें तो ये बताया गया सामान मस्जिद ना बराए सोख्तन ना बराए फरोख्तन, मस्जिद तो मस्जिद रही, मस्जिद के अंदर जो टूटी हुई चटाई है आप उसको भी नहीं बेच सकते। बाकी वो आपके लिए या दो चर्च खोल रहे हैं और कहें कि वहां नमाज पढ़ें और आए वहां में आपको इजाजत देते हैं, मैं आपको एक पेशकश करता हूं कि उन्हें कहें कि तुम बड़े वसीउ ज़रफ़ हो मगर बहुत कुशादा ज़हन है, तो हमें मस्जिद करतबा में नमाज पढ़ने दें। मस्जिद करतबा में जो मुसलमानों की बनाई हुई है 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई वो मस्जिद, उसके बागात उसके अहाते उसके मुतालिकात अगर शामिल करें हमाम शामिल करें तो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर वो मस्जिद थी, और 1400 सतूनों पर फैली हुई मस्जिद का हाल। अल्लाह अकबर, जब रात होती तो उस जमाने के अंदर 7500 मशअले उस मस्जिद में चराका करती, 30 फुट ऊंचा उसका छत है और आज भी वो देखने के काबिल है। इकबाल ने बेसाख्ता वहां जाके कहा था कि तेरा वजूद मर्दान खुदा की दलील, जिन्होंने बनाया है पता चलता है कोई था, तेरा वजूद मर्दान खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, तेरे सुतून बेशुमार तेरी बिना पायदार, शाम के सहरा में जैसे हुजूम नखील। तो वो मुसलमानों ने बनाई हुई, 800 साल मुसलमानों ने उंदलस में हुक्मरानी की, अब वो मस्जिद मुसलमानों की तामीर करता वहां मौजूद है और गिरजाघर में तब्दील कर दी गई है। 2008 में मुकामी मुसलमानों ने पोप को दरख्वास्त दी कि जिस रवादारी की मजहबी रवादारी की आप बात करते हैं उस रवादारी को कायम करने के लिए ऐसा किया जाए कि हमें भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। यहाँ गिरजाघर है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो आके इबादत करते हैं ईसाई, तो हम भी एक गोशे में इबादत कर लिया करें। मगरब जिस रवादारी का प्रचार करता है उसका अमली जहूर हो जाए, लेकिन पजीराई नहीं बख्शी गई। कहाँ गए वसीउ ज़रफ़? तुम कहते हो गिरजों में नमाज पढ़ने देते हैं, तो वहाँ 2 रकत पढ़ के देखा। 2011 में अल्लाह ने तौफीक दी तो मुझे शौक था कि मैं मस्जिद करतबा देखूं। बचपन से पढ़ते आए मस्जिद करतबा की यादें ख्यालों में नक्श थी, तो जब मैं वहां पहुंचा तो वो दरवाजे पे बता देते हैं कि यहाँ नमाज की इजाज़त नहीं है। तो अब वो मस्जिद जहां कदम कदम पे अहले इलम और औलिया के पेशानियों और सजदों के निशान मौजूद हैं। अब मुझे तो गवारा ना हुआ कि मैं जूता पहन के जाऊं, तो मैंने जूता उतार के एक समत रख दिया और मस्जिद में दाखिल हुआ, तो सिक्योरिटी के लोग मेरे पीछे भागे और कहने लगे कि आप यूं नहीं फिर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते आपने जूते उतारे हुए। तो वहाँ तमाम मजहब के लोग आते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिबास भी मुख्तसर होते हैं, तो मैंने कहा इन्होंने तो लिबास भी नहीं पहने हुए तो मुझे उसकी इजाज़त देते कि मैं जूता उतार दूँ, इन्होंने लिबास उतारे हुए। तो वो कहने लगे जी नहीं। मैंने कहा मुझे बात समझाओ किस तरह। तो जो गुफ्तगू हुई वहाँ जो मेरे साथ तर्जुमान थे उनके ज़रिए से, वो ये थी कि चूँकि मुसलमान मस्जिद की तज़ीम करते हैं और मस्जिद की तज़ीम इबादत का रूप है और वो मस्जिद को तकद्दस दे करके उसकी तज़ीम करते हैं, और आपने जो जूता उतारा है आपकी नीयत में मस्जिद की तज़ीम यही है। मैंने कहा बिल्कुल यही है, यहाँ बड़े बड़े मशायख औलिया बैठते रहे तो किस तरह मैं अपने जूतों से इस फर्श को धो दूँ। तो उन्होंने कहा जी हम इजाज़त दे सकते। तो उनसे बहुत कहा लेकिन वो कहने लगे ये हो ही नहीं सकता, तो हम सारी मस्जिद नहीं देख सके और वापस आ गए। और 2014 में फिर दोबारा जाना हुआ, फिर यही मेरे साथ मसला हुआ। तुम कहते हो बड़े वसीउ ज़रफ़ है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियाँ वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरखलाने के लिए वो रखा हुआ है। उन्हें पता है इससे बहल जाएंगे और वो भी शोर जाके करेंगे कि हमारी मस्जिदों में भी ऐसा होना चाहिए, हम भी वसीउ ज़रफ़ हों। वो तुम्हें धोखा और फ्राड देने के लिए किया है। इकबाल ने कहा था अंदरूं तारीख तर अस चंगेज, ये बज़ाहिर मीठे मीठे लगते हैं लेकिन इनका अंदर चंगेज से भी ज्यादा तारीख है। तो जो गिरजे फरोख्त कर देते हैं, आज आया सूफिया कि उनको क्यों तकलीफ हो गई,
और वो सुल्तान मोहम्मद अल फाते ने खरीदी हुई है और आज आया सूफिया सजदों से आबाद हो रही है। आज वो मस्जिद अजानों से पुरनूर हो रही है और माहौल के अंदर वो अजीब खुशियां फैल रही है। तो तकलीफ इस्लाम से है, वो चाहते हैं कि ये तजब्जब में मुबतला ढीले ढीले मुसलमान रहें, खैर से रहें, इनसे क्या हमारी परेशानी है। मुझको परेशानी है तो उस उम्मत से है अश्के सहरगाही से जो जालिम करते हैं। तो आज आया सूफिया तकलीफ का सबब इसलिए बन गया कि ये जो तहरीक बपा की गई थी वहादत अदियान की, और तुर्की भी एक जमाने में उसका मरकज रहा, और आज यह है कि वहां आया सूफिया मस्जिद की सूरत में बदल रही है। लेकिन मगरब खुश है कि पाकिस्तान में मंदिर बन रहे हैं, अरबस्तान में मंदिर बन रहे हैं, और इसराइल के साथ हम अरबों के ताल्लुक को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा अधूरा सा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, ये वक्ती होगा। इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आने वाला है कि पूरी कायनात पे झंडा मेरे हुजूर का ही होगा। आ मिलेंगे सीना चाक आने चमन से सीना चाक, बज़्मे गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दर्दाश्त ना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।